मासे कि दुई मास नुहे दीर्घ चारि वर्ष हेब निजर हक पाई लढ़ी लढ़ी प्रशासन द्वारा आक्रोश लाछित शोषित और निर्यातित होगापर शेषर इच्छा मृत्यु लोड़ी कंधमाल जिला चकापाद अंचल भिन्नक्षम दंपति दीपक कुमार हंस और पत्नी विद्युतलता नायक एने दीपक गत 9 तारीख में महामहिम राष्ट्रपति एक रजिस्ट्री जोगे चिठी लिखि जनाई दीपक कहिबा अनुसार स्त्री विद्युतलता 2013 मसीह स्वास्थ्यकर्मी भाव दारिंगबाड़ी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य करुथिले से समय रे से दीर्घ दिन असुस्थ हो पड़ते किंतु स्वास्थ्य विभाग अधिकारी छुट्टी मंजूर करनुथिले एवं जाणीशु हईराण करुथिले एहार प्रतिवाद रे स्वास्थ्यकर्मी विद्युतलता और तांको स्वामी दीपक हंस जिलापालों अफिस् सम्मुखें धारणा देवा सहित राज्य मानवाधिकार कमिशन को मध्य जणाइथिले किछि दिन परे तरबरिया भावे चक्कापाद सीएचसी को बदली कर दैथिला हेले एहा परे पुणी थरे कौनसी कारणरु दारिंगबाड़ी को बदली करिबा सहित तांको स्त्री को मानसिक स्थिति केमिति अछि सेने फिटनेस सर्टिफिकेट ब्रह्मपुर मेडिकल रु दाखल करबा कहिथिले तबे ब्रह्मपुर बोर्ड कौनसी फिटनेस सर्टिफिकेट नदेबारु से अगस्ट 4 रे कटक मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शारदा प्रसाद स्वाई को निकट रे परीक्षा करी फिटनेस सर्टिफिकेट आनिथिले आउ दाखल करबाकु सेप्टेम्बर 9 तारीख रे दारिंगबाड़ी मेडिकल को जाइथिले हेले सेठारे तांको फिटनेस सर्टिफिकेट को ग्रहण करा जाय नथिला कि तांको दायित्व मध्य दिया जाय नथिला फळरे वर्ष सारा दरमा न पाई दुई मुठा खाइबा पई बार द्वार सुंडीपिंडा हेबाक पडुछि अर्थ अभाव पुओ को मध्य पाखरे रखि पारले नाही स्वेच्छासेवी अनुष्ठान को पठाई दिले निज पुओ को आउ समस्त दिगरु हताश और निराश होई शेषर इच्छा मृत्यु लोड़िछंती ए भिन्नक्षम दंपति तांकर आशा और विश्वास महामहिम राष्ट्रपति ताकु निश्चित भावे न्याय प्रदान करिवे जे दिव्यांग मो स्त्री भी जे दिव्यांग आम गोटे नवश पुअ सरकार आ प्रशासन को जड़े जड़े आम ना उद्देश्य मूलक रखी मानसिक चाप ये दौंट सहबार सीमा आज जहाँ फल शेष महामहिम राष्ट्रपति बाध्य शेष पदक्षेप कार्यरे जेतेबेले ये हे पाले नाही सफल हे पाले नाही से माने नाही ताको स्त्री भयराण करबा कहि सेही सेही मतलब रे मते पुनस्त दारिंगबाड़ी ट्रांसफर कर देचंदी जो द्वारा कि मु काम कार्य ठीक भाव रे करि पारनी एवं मोर दरमा मध्ये किछि नाही एंती कि आम घरे खाइबा को मध्ये किछि नाही कंठमाळ रु रंजन कुमार दास रिपोर्ट ओडिसा भास्कर।